हाय, कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत गजब की चल रही होगी। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखे हैं, पहले आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म, पहले सात टर्म का सम क्या है, 63, एंड द टर्म एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट सेवन टर्म, मतलब उसके आगे के सेवन टर्म का जो है सम 161 है, 161, एंड 28th टर्म। तो आपको 28th टर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद इस जगह पर देखिए क्या करना है आपको। दे रखा है S7 इक्वल टू दे रखा है 63। ठीक है, तो एस सेवन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है एस एन का फॉर्मूला, एक बार देखिएगा। एस एन इक्वल टू क्या हो जाता है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन, और ये वाला यहाँ पर डी, इस तरह से ये फॉर्मूला इसी को लगाना है। तो एन के जगह पर सेवन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेवन अपॉन में टू, और ये वाला टू ए प्लस सेवन माइनस वन, ये हो जाएगा 6D और इक्वल टू यहाँ 63। अब यहाँ से आपको टू कॉमन निकाल लेना है। टू कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेवन अपॉन टू मल्टीप्लाई टू ऐसे, और ये हो जाएगा ए प्लस 3D, है ना। दो यहाँ से निकला और टू थ्री या सिक्स, ये इक्वल टू 63। अब ये टू से टू कैंसिल कर देंगे, इधर बच रहा है ए प्लस 3D इक्वल टू 63, और ये इधर ये आएगा तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय सेवन, है ना। ये सेवन मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड सेवन, तो 7 9 जा 63, तो ए इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 3D। ये 3D इधर प्लस में इधर आएगा, ये या ऐसे कर। अब देखिएगा अगेन अगेन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या चीज कि नेक्स्ट सेवन टर्म, मतलब कि S14 माइनस S7 इक्वल टू आपके पास दे रखा है 161 161 ऐसे। तो या इक्वल टू यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसी जगह पे एक बार और ले लेते हैं। तो S14 इक्वल टू आपके पास हो जाने वाला है 161, और ये प्लस का S7, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा S14 का फॉर्मूला लगा देंगे, यही वाला, ये हो जाएगा 14 अपॉन में 2, और यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1d, एन माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 13d, है ना। इस जगह पर आप लिखिए ये वाला 13d इक्वल टू 161, और S7 का फॉर्म, S7 का वैल्यू है 63, तो यहाँ पर प्लस का ये वाला 63। अब इसको काटेंगे, 2 7 जा 14 7 यहाँ निकल के आ रहा है। अब यहाँ देखिएगा ये वाला 2 और a के जगह पर आपको वैल्यू पुट कर देना, a का वैल्यू हमने निकाल रखा है 9 माइनस 3D, ये वाला है ना, ये इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे, यह आ जाएगा 9 माइनस 3D, और ये प्लस का 13D इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कीजिए तो हो जाएगा 3 और 1 ये 4 6 6 12, और ये 1 1 2 224। ठीक है, और ये वाला 7 इधर मल्टीप्लाई में था तो मैं इस साइड ले आऊंगा यहाँ पर, तो ये चले जाएगा डिवाइड में। अब बाद में भी कर सकते हैं, मैं अभी कर लेता हूँ। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, और माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6D, और प्लस का ये वाला 13D इक्वल टू हो जाएगा, इसको जरा काटिए 224, तो 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। अब देखिएगा, अब 13D में से 6D माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7D, और इक्वल टू ये वाला 32, और ये 18 इधर आएगा तो माइनस से ले जाएगा, है ना। तो यहाँ पर D इक्वल टू हो जाएगा, 32 में से 18 माइनस करेंगे तो 14, और अपॉन में ये वाला आएगा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो D का वैल्यू आपके पास निकल के आ गया 2। डी का वैल्यू 2 निकल के आ गया, तो ए इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 3D, 9 माइनस 3D। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मैं इस जगह पर ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ए इक्वल टू निकल के आ जाएगा 9 माइनस 3 इंटू में
टू, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 टू जाए 6 इक्वल टू, ये निकल के आ गया 3, ए का वैल्यू हमारे पास 3। अब यहाँ पे निकालना है आपको a 28 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 27d, तो a का वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 3 और यहाँ पे प्लस 27 और d का वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस कितना हो जाएगा 54, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 4 57, ये आपका आंसर आ गया है ना, 57 आपका आंसर आ गया, दिख रहा है क्लियर। चलिए तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस वाले QR कोड को किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या जो भी आप यूज करते हैं उसके द्वारा आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय।